हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियोस में आधारिक खाद्य वर्ग टॉपिक के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बताए थे। इस वीडियो में मैं खाद्य संरक्षण एवं खाद्य संसाधन टॉपिक के अंतर्गत पार्ट वन में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। खाद्य संरक्षण एवं खाद्य संसाधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 101, दूध का पाश्चरीकरण कम से कम कितने तापमान तक किया जा सकता है? इसका उत्तर है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 102, भोज्य पदार्थ जिसमें मिलावट होती है की सुगंध बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका उत्तर है ट्राइब यूटेइन। क्वेश्चन नंबर 103, किसका प्रयोग फलों के रस और पेय पदार्थों को छानने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है एस्बेस्टॉस। क्वेश्चन नंबर 104, हल्दी में किसकी मिलावट की जाती है? हल्दी में लेड कैरोमेट की मिलावट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 105, किसका प्रयोग अचार चटनी आदि को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है नमक, क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोराइड आयन खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 106, सरसों के तेल में किसकी मिलावट होती है? सरसों के तेल में आर्जिमोन की मिलावट की जाती है, तो आर्जिमोन में क्या होता है, इससे ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है, तो ये हम लोगों के शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 107, शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा वयस्क से अधिक होती है या कम होती है? तो इसका उत्तर होगा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 108, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 1988। क्वेश्चन नंबर 109, स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस। इसका उत्तर होगा कोडेक्स एलिमेंटेरियस। क्वेश्चन नंबर 110, खाद्य पदार्थ खराब होने का मुख्य कारण क्या क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ खराब होने का मुख्य कारण आर्द्रता होती है। अगर आर्द्रता होगी तो खाद्य पदार्थ खराब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111, कारखानों में बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को कौन प्रमाणित करता है? कारखानों में बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ISI प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 112, सोडियम बेंजोएट में उपस्थित कौन सा तत्व खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है? इसका उत्तर है बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 113, केसरी दाल के अधिक प्रयोग से कौन सी बीमारी होती है? केसरी दाल के अधिक प्रयोग से लेथरिज्म नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 114, कौन सी निर्जलीकरण एवं फ्रीजिंग की संयुक्त विधि होती है? इसका उत्तर है डिहाइड्रोफ्रीजिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 115, गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल की मात्रा 400 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? इसका उत्तर है स्टॉक रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 117, सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग किन खान पान प्रबंधों में प्रयोग लाई जाती है? इसका उत्तर है औद्योगिक कैफेटेरिया। क्वेश्चन नंबर 118, अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं?
तो इसका जो पत्ता होता है वो कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उत्तर है पत्ता। क्वेश्चन नंबर 119। आजकल रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधी पदार्थ लगाया जाता है, तो कौन सा लगाया जाता है अवरोधी पदार्थ? पॉली यूरीथेन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 120। इसमें आपको मानक चिन्ह के बारे में बताया जाएगा और किस उत्पाद में कौन सा मानकीकरण चिन्ह लगाया जाता है वो आपको बताया जाएगा। तो आप इसका कॉलम बना लीजिए, पहले कॉलम में मानकीकरण चिन्ह लिखिए, दूसरे में उत्पाद लिखिए, इसके फिर आइए नीचे आइए, उसमें लिखिए एग मार्क, किसमें होता है? शहद में लगाया जाता है। ISI बिस्किट में, FPO स्क्वैश में, बुलमार्क शॉल में। क्वेश्चन नंबर 121। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 1 जून, 1 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122। डिब्बाबंदी करते समय रस भरी कितने समय तक गर्म जल में रखा जाता है? इसका उत्तर है 16 से 20 मिनट, 16 to 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 123। स्ट्रॉबेरी तथा चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका उत्तर है नींबू का रस। क्वेश्चन नंबर 124। मांस मछली कितने ताप पर सुरक्षित रहते हैं? मांस मछली 15 डिग्री से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। पाश्चराइजेशन द्वारा दूध कैसे सुरक्षित रखते हैं? तो इसकी एक प्रक्रिया होती है पाश्चराइजेशन की, जिससे दूध सुरक्षित रहता है, वो इस प्रकार है। दूध 160 डिग्री ताप पर 15 सेकेंड्स या 15 सेकेंड तक गर्म करने के बाद तुरंत 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ताप पर ठंडा कर दिया जाता है, जिससे जीवाणु अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। दूध को बोतलों में भरकर फिर सीलबंद कर दिया जाता है। तो ये है आपको किस तरह से दूध सुरक्षित रखना है, उसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।